ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का मीनिंग है बेटा कि जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो, जिसमें दूसरा पॉलन ग्रेन आए, ऐसी ब्रीडिंग। ब्रीडिंग हम वैसे जो एनिमल्स के केस में यूज करते हैं इस टर्म को, लेकिन यहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं आउट ब्रीडिंग को। आप क्रॉस पॉलिनेशन से रिलेट करके चलेंगे, क्योंकि अब जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी वो जो है दूसरे पॉलन ग्रेन से होगी। तो इस यहाँ पे जो आपको बताया गया है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मीनिंग है कि ऐसा कौन सी डिवाइस है किसी फ्लावर के पास कि जिससे वो क्रॉस पॉलिनेशन को या आउट ब्रीडिंग को प्रमोट करे। क्योंकि आपको बता दिया गया है इट इज बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। तो यहाँ पे ये टॉपिक पहले भी मैंने डिस्कस किया था, आज फिर से कर रही हूँ। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स दैट कैन अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे ज्यादा प्लांट्स जो होते हैं उनके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम ये मान के चलते हैं कि ज्यादा चांसेस सेल्फ फर्टिलाइजेशन के या सेल्फ पॉलिनेशन के हैं। रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर बार 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 किसी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता जाए तो उससे क्या दिक्कत आती है? उससे एक दिक्कत आती है कि वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसे कहा जाएगा कि धीरे 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 उस प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाएगी, उसकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी। इसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और ये सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से आता है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। अभी ध्यान रखा है ये नेचुरल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल नहीं है। ये नेचर में इवोल्यूशन हुआ है, ड्यूरिंग इवोल्यूशन उन्होंने डेवलप किया है। तो इन डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। फर्स्ट वन इज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट कोऑर्डिनेटेड। इट मींस कि जब पॉलन रिलीज होगा तो उस टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होना चाहिए, मींस स्टिग्मा मैच्योर नहीं होना चाहिए। मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री मीन एंड्रोशियम या स्टैमन पहले मैच्योर हो जाए और कार्पल बाद में हो जाए, वो है इसका मीनिंग। इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। आइदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन। तो इससे क्या होगा, या तो स्टैमन पहले मैच्योर हो जाए और स्टिग्मा बाद में हो, या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए और स्टैमन बाद में हो, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा या ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है, ये भी आपको बता चुकी हूँ, डिफरेंट पोजीशनिंग ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। ये भी आपको मैंने बता दिया था, अगर एंथर और स्टिग्मा की जो पोजीशंस हैं वो अलग अलग हो, प्रॉपर ना हो, तो उस केस में भी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ये आपको मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था कि मान लो कि ये वाले हैं एंथर्स, ये दोनों जो है एंथर्स हैं और ये बीच में यहाँ पे स्टिग्मा है ये, तो इनकी पोजीशंस में डिफरेंस की वजह से क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आपको याद रखना है ये, लेकिन ये नेचुरली तो ऐसे नहीं हम कह सकते कि फ्लावर ने कुछ ऐसा डेवलप किया, ये इसके जेनेटिक मैकेनिज्म है। जेनेटिक मतलब डीएनए के अंदर है जीन्स जो इस फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से अगर सेम ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड होता है तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो दैट इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबल है वो। अगर वो दूसरे फ्लावर से आएगा तभी जर्मिनेट कर पाएगा। तो ये स्टिग्मा के ऊपर कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसकी जीन्स के ऊपर। तो वहां पे ये कैरेक्टर प्रेजेंट होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, वो केमिकल्स सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन को वहां जर्मिनेट नहीं होने देते हैं या फिर उसकी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट, ये आपको करवा चुकी हूँ, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वैसे ही अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन हो जाए तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस वैसे ही खत्म हो जाते हैं, फिर चाहे गिटोनोगैमी हो
या जीनोगेमी हो, गिटोनो बता दिया था, एक ही प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर पॉलन ग्रेन जाना, दैट इज गिटोनोगेमी, तो उसमें भी फायदा रह जाता है, और अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चले जाएं तब भी फायदा है। तो यहाँ पे एक लाइन है इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पे इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, मीन वो प्लांट क्या है मोनोशियस, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट गिटोनोगेमी। अब ये लाइन याद रखना, इंपॉर्टेंट बहुत है कि अगर प्लांट मोनोशियस है, इट मींस उसके ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मेल और फीमेल दोनों एक प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, बट बाइसेक्सुअल कंडीशन नहीं होगी, यहाँ पे फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही होता है मोनोशियस में भी और डायोशियस में भी। अब अगर ऐसी कंडीशन आई तो क्या होगा, इसे ऑटोगेमी तो नहीं होगी, ऑटोगेमी मीन्स कि सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होगा, लेकिन गिटोनोगेमी जरूर होगी। गिटोनोगेमी क्या है कि एक ही प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर, दूसरे फ्लावर, एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे। अगर वो डायोशियस है तो इसकी, इससे देखो दो चीजें हो जाएंगी, ना ही ऑटोगेमी होगी ना ही गिटोनोगेमी होगी, कंप्लीट प्योर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ये किन प्लांट्स में होगा, डायोशियस, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पपाया है, डेट पाम है, ये डायोशियस प्लांट्स हैं जिनमें ना तो ऑटोगेमी होती है ना गिटोनोगेमी होती है, प्योरली जो है जीनोगेमी इन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो ये तो था किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है जो है सेल्फ पॉलिनेशन को। तो जो जो मैकेनिज्म प्लांट जो है वो नेचुरली उसके पास है, उनको उसकी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। अब हम आर्टिफिशियली भी ऐसा करवा सकते हैं, ध्यान रखें अगर हमने कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना हो तो उस टाइम पे हम भी ये कर सकते हैं कि हम सेल्फ पॉलिनेशन ना होने दें, लेकिन वो आर्टिफिशियल होगा, नेचुरल नहीं होगा। तो वो कैसे होगा, अब स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे अभी आपका आ जाएगा पोलन पिस्टल इंट्रेक्शन, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसे कहा जाता है, इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड। इन दिस मेथड डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन, दिस इज अचीव बाय इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। अब क्या कर रहे हैं आप, जो है आर्टिफिशियली एक हाइब्रिड बनाना चाहते हो, तो उस केस में अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है तब भी आप चाहते हो कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो आप जो जो स्टेप्स परफॉर्म करोगे उस पूरे को हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से हम एक इम्प्रूव्ड वैरायटी बना सकते हैं। तो उसमें दो स्टेप होते हैं, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। मैं आपको इमेज के थ्रू बताती हूँ इमेस्कुलेशन और बैगिंग क्या होता है। आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट इमेज है, ये फ्लावर पी प्लांट का, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है ना बेटा, जो बीन्स हैं, जो पल्सिस होती हैं, उनका फ्लावर होता है इस तरह का, ये पी का फ्लावर दिखा रखा आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पे इसका स्टिग्मा है और ये इसके एंथर्स हैं। तो जब बेटा हम क्या करेंगे, जब भी हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि जब अभी वो बर्ड स्टेज में ही है तो उसके यहाँ से एंथर जो है वो रिमूव कर देंगे, कट कर रहे हैं यहाँ पे आप, इस प्रोसेस को कहते हैं इमेस्कुलेशन। ठीक है, इमेस्कुलेशन कर दी हमने, यहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे उसके एंथर है ही नहीं, बड स्टेज में रिमूव कर दिए, या तो हम उनको कट, अगर वो जो है एक अच्छी लेंथ है उनकी, प्रॉपर लेंथ है जिसको मैनेज किया जा सके तब तो कट करेंगे, अगर बहुत ही छोटे हों तो हम उनको अल्कोहल में डिप करके काफी टाइम तक स्टीराइल बना देते हैं, उनको स्टीराइल भी बनाया जा सकता है या फिर उनको काटा भी जा सकता है। आपने कट कर दिया, पहला प्रोसेस ध्यान रखना, जब आपने काटा स्टेमंस को बर्ड स्टेज में रिमूव कर दिया तो उसको कहते हैं इमेस्कुलेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, इमेस्कुलेशन एंड देन बैगिंग। बैगिंग का मतलब है
कि अब उस फ्लावर को आप कवर करके रखोगे, बटर पेपर से कवर करके रखोगे, क्यों? ताकि कोई और पोलन ग्रेन आके जो है उसको वहां फर्टिलाइजेशन ना कर पाए। फिर आप बाद में क्या करेंगे, आप जो भी आपको ये दूसरा फ्लावर है ध्यान रखेंगे, ये वाला फ्लावर नहीं है, कोई और फ्लावर है, यहाँ से एक रिक्वायर्ड जो आपको स्पीशीज, जो आपकी वैरायटी जो आप चाहते हैं, उस वैरायटी के पोलन ग्रेन्स को आपने लिया ब्रश से और यहाँ पे डस्टिंग कर दी, तो आपने उसके बाद क्या होगा, वो फर्टिलाइजेशन आपने फिर से उसको ढक दिया और आगे की प्रोसेस हो जाएगी। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी अपनी विल के अकॉर्डिंग क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं और एक नई वैरायटी को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो थे स्टेप। इमेस्पुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर यूजिंग फोरसेप फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर और बर्ड विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टल। ये मैंने डायग्राम में अभी आपको बताया। सेकेंड वन इज बैगिंग। बैगिंग मीन्स इमेस्कुलेटेड, जिस फ्लावर में से एंथर रिमूव कर दिए, दे आर कवर्ड विद सुटेबल बैग मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड, ताकि वहां पे अनवांटेड पोलन ग्रेन ना आ जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग। When stigma of the bagged flower, जब stigma जो है receptive हो जाएगा, उस time पे हम mature pollen grain from the anther of male parent are dusted on the stigma. फिर जो हम required pollen grain चाहते हैं उसको हम वहां dust कर देंगे, then the flowers are rebagged. फिर rebagging कर देंगे और उसके बाद हम जो है allow करेंगे उनकी development of fruits. If the female parent is unisexual, अगर देखो यूनिसेक्सुअल है तब तो हमें इमेस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। इन दिस केस द फीमेल बर्ड आर डायरेक्टली बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फीमेल फ्लावर है उसको पहले से बैगिंग ही करके रखेंगे और उसके बाद हम उसकी बैगिंग, उसका बैग तब रिमूव करेंगे जब हमें लगेगा कि जो अब वो रिसेप्टिव हो गया है, अब मैच्योर हो गया है, अब हम डस्टिंग कर देंगे दूसरे यूनिसेक्सुअल फ्लावर से। अब हमारा इवेंट आ गया बेटा पोलन पिस्टल इंट्रेक्शन। पोलन पिस्टल इंट्रेक्शन मीन ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। ये वो सारे इवेंट है जब जब जो है पोलन जो है वो डिपॉजिट होगा स्टिग्मा के ऊपर और फिर मैम स्क्रीन नहीं आई, अभी नहीं आई है, एक मिनट। नो मैम। अभी क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो पोलन पिस्टल इंट्रेक्शन की हम बात करें, ये सारे इवेंट्स हैं आप जर्मिनेशन के देखेंगे कि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कैसे होती है। इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, किसी दूसरी स्पीशीज का जर्मिनेट नहीं कर सकता, ठीक है, दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी। अगर पोलन ग्रेन इनकम्पैटिबल है तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कई प्लांट्स में तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी होती है। पोलन पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा। जरूरी नहीं है कि राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन ही पहुंचे वहां पे। Hence, pistil has ability to recognize the right type of pollen to promote post-pollination event. तो pistil के पास ऐसी capability होती है कि वो recognize कर पाता है कि ये same species का ही pollen grain है या इसकी fertilizing capacity अच्छी है, ये सब recognize कर सकता है stigma. This interaction takes place through chemical component produced by them. तो stigma के ऊपर जो chemical components होते हैं वो इस जो event को जो है इस इंट्रेक्शन को टेक्स प्लेस जो है इसको अफेक्ट करते हैं कि भाई वो जो पोलन ग्रेन है क्या वो जर्मिनेट कर सकता है या नहीं। तो इसमें इफ द पोलन ग्रेन इज कंपैटिबल, इनकंपैटिबल मींस रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल रिजेक्ट कर देगा
और अगर वो राइट टाइप का है तो पिस्टल उसको एक्सेप्ट करेगा और उसमें से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. फॉलोइंग कंपेटिबल पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोल. आपको मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन के अंदर जहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है उसको जर्म पोर कहते हैं, वहां से पोलन ट्यूब निकल के आएगी. द कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इन टू द पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब में चले जाएंगे सारे पोलन ग्रेन के कंटेंट. पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी. इफ द पोलन ग्रेन अगर जो है टू सेल स्टेज में है तो जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी और दो मेल गैमेट की फॉर्मेशन कर देगी. ये लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इफ द पोलन ग्रेन इज इन थ्री सेल स्टेज द पोलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग. तो स्टार्टिंग से ही दो पोलन ग्रेन होंगे. पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड देन इनटू एम्ब्रियो सैक थ्रू सिनर्जिड्स गाइडेड बाय फिलीफॉर्म एपरेटस. अ प्लांट ब्रीडर कैन मैनिपुलेट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. अच्छा आपको ये डायग्राम के थ्रू मैं समझाती हूँ. एक लास्ट लाइन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये वाली जो हम कहते हैं कि भाई इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो सकता स्टिग्मा पे, लेकिन अगर उस प्लांट में हम उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज करें तो हम इसको प्रमोट कर सकते हैं कि इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन भी जो है उसके ऊपर जर्मिनेट हो पाए. तो वो मैनिपुलेट कर सकता है पोलन पिस्टल इंट्रेक्शन को, लेकिन किस तरह किया जाएगा उसमें जेनेटिक चेंजेस लाने के बाद ही चेंज किया जा सकता है. अब एक आपको इमेज में दिखा रही हूं किस तरह से अब फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगी. यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे हैं. इस इमेज में ये जो पोलन ग्रेन है ये जर्मिनेट कर रहा है यहाँ पे, ये और इसने किसकी फॉर्मेशन कर दी है यहाँ पे, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन की है. तो यहाँ पे एक मिनट अगर आप होल्ड करें. चलो ठीक है, मैं इसी को आपके साथ शेयर कर देती हूँ. चलो तो अब हम स्टार्ट करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन. पोलन ट्यूब की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होगी. जो एक पोलन ग्रेन है वो जब भी स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, मान लो ये स्टिग्मा है, तो इसमें से पोलन जो ट्यूब है उसकी फॉर्मेशन होगी और पोलन ट्यूब में से क्या होगा जो मेल गैमेट है वो पहुंचेंगे. हाँ बेटा. मैम स्क्रीन नहीं आया है. ओहो तुम्हारा ये आज दिक्कत आ रही है कुछ. अब स्क्रीन शेयर करके आपको डबल फर्टिलाइजेशन पे आ गई हूं मैं. व्हेन द पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा दे जर्मिनेट एंड गिव राइज टू पोलन ट्यूब दैट पासेस थ्रू द स्टाइल एंड एंटर इनटू द ओव्यूल. आफ्टर दिस द पोलन ट्यूब एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स एंड रिलीजेस टू मेल गैमेट्स. आउट ऑफ द टू मेल गैमेट्स वन गैमेट फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल एंड फॉर्म्स जायगोट. This process is known as syngamy. Diagram के through हमारे पास time जो है 8 minutes का है अभी, तो मैं एक diagram है double fertilization उसी के through explain करती हूँ. ये है आपका double fertilization का diagram जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये है यहाँ पे embryo sac. इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ diagram का, आपको clear हो जाएगा. यहाँ पे embryo sac है. Embryo sac में आपको पता है क्या होती है, नीचे की तरफ एग एपरेटस होता है, बीच में एग सेल है और साइड में सिनर्जिड्स हैं. यहाँ पे इस साइड जो है तीन एंटीपोडल्स होती हैं. बीच की सेल्स को हम कहते हैं सेंट्रल सेल्स, जिसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं जिनको कहते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई. अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो आप ब्लैक कलर के यहाँ पे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये दो मेल गैमेट हैं. तो एक मेल गैमेट पहले तो डायरेक्ट एंटर नहीं करेगा एग सेल में, पहले वो सिनर्जिड में एंटर करेगा और सिनर्जिड के बाद वो एग सेल में एंटर करेगा.
और किसके थ्रू करेगा? मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पे जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो फोल्डेड होती है, जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, उसके थ्रू ये एंटर करेगा यहाँ पे। तो ये तो ट्रू फर्टिलाइजेशन हो गई, जिसको हम सिनगैमी कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट विल फॉर्म जायगोट। अब दूसरा क्या है, जो दूसरा मेल गैमेट है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक गैमेट तो जाएगा एग सेल में और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो कि सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तीन हैप्लोइड सेल इकट्ठी हो गई, एक तो मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई। तो ये यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगी, दैट इज नॉट ट्रू फर्टिलाइजेशन बट वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, दैट इज वाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है, इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन न्यूक्लियस जो है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है, वो आपस में फ्यूज कर रहे हैं। तो ये क्या फॉर्मेशन करेंगे आगे जाके? एंडोस्पर्म, जो कि क्या होगा? ट्रिप्लोइड। बहुत बार क्वेश्चन आता है ट्रिप्लोइड टिश्यू कौन सा है प्लांट्स में, और तो ये होता है एंडोस्पर्म। जायगोट डिप्लोइड और एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड। एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जायगोट जब डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, तो उसमें एंडोस्पर्म उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए जब ये एंडोस्पर्म बन जाता है, तो एंडोस्पर्म डिवाइड होके, पहले तो इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो ये सेंट्रल सेल थी, इसको हम कह देंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। उसके बाद इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगी, फिर हम इसको एंडोस्पर्म कह देते हैं, और तब तक जायगोट डिवाइड नहीं करेगा जब तक एंडोस्पर्म पूरा टिश्यू नहीं बन जाता, क्योंकि जायगोट को डिवीजन के लिए जो नरिशमेंट चाहिए वो आगे जाके एंडोस्पर्म ही देगा, तभी जो है वो डिवाइड कर पाएगा। इसीलिए एक लाइन आती है, जायगोट रिमेन डोरमेंट फॉर सम टाइम आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। वाई? कि फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट कुछ टाइम तक डोरमेंट ही क्यों रहता है, इनएक्टिव, डिवाइड क्यों नहीं करता? क्योंकि उस टाइम तक एंडोस्पर्म टिश्यू नहीं बना होता जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। अब आपको समझ आ जाएगा, जो दो मेल गैमेट है उनमें से एक फ्यूज कर गया एग सेल के न्यूक्लियस के साथ और सिनगैमी हो गई, और उसके बाद द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल टू फॉर्म ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। Since the process involves the fusion of three haploid nuclei, it is known as triple fusion. Triple fusion is the fusion of male gamete with two polar nuclei inside the embryo sac of angiosperm. Since two kinds of fusion, syngamy and triple fusion takes place, this is known as double fertilization. दो बार fertilization हुआ है, इसीलिए हमने इसको कहा है double fertilization. Double fertilization is a unique event to flowering plants. After triple fusion, the central cell become primary endosperm cell and the primary endosperm nucleus develops into the endosperm while zygote develops into the embryo.